अरे भाई ऐसे मत करो, 1500 फिर दे देना और क्या भाई। सांस फूल रहा है थोड़ा, फूल थोड़ा पाँच पाँच नारियल पीने वाला। अच्छा अभी ये लोग को मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोग को जितना नारियल पीना उतना पियो। वाह ये तो बहुत डेंजर खेल रहा है भाई, वाह। आज हम जा रहे हैं न्यू बाइक लेने, देख रहे हैं कौन सी पसंद आती है। तो हम स्टार्ट अभी यामा के शोरूम में जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके पता चलेगा कौन सी पसंद आती है, देखेंगे बहुत सारे मॉडल है, उसमें से कौन कौन जा रहे हैं, मैं और पीयूष भाई जा रहे हैं। तो देखते हैं अभी पीयूष भाई नाश्ता करने अंदर गए, नाश्ता करके आते हैं फिर निकल। तो पहले ये पहने हुए थे बूटलेन और अभी स्पॉट पर आ गए, तो बोल रहे थे कि बहुत हैवी लगता है, इसलिए दूर गए तो बूटलेन का पहन सकते हो, तो पहाड़ वहाड़ वाली जगह पे ऐसा पैर का सेफ्टी रहता है। रूम के अंदर आ गए और हमको देखो यामाहा दिख गई है सारी, तो देखते हैं अभी। पीयूष भाई क्या लगता है आज लेके जाएंगे गाड़ी? नहीं अभी नहीं, पहले देखते हैं ना कौन सी गाड़ी है, गाड़ी देखने का, देखने के लिए। तो चलो चलते हैं अभी अंदर। चलो पीयूष भाई बैठ जाओ। अरे बैठो ना भाई, आप करो तो सही चालू। पीयूष भाई को ब्लैक कलर बहुत पसंद है। गाड़ी देखने गए थे ना वहाँ पर, क्या सीन हो गया, मेरा गाड़ी का चाबी मिल गया। ऊपर जाके आया फिर नीचे नीचे पीयूष भाई ने देखा, फिर चाबी कहाँ से मिली, सिक्योरिटी वाले अंकल को पूछा, बोला चाबी अभी गिरा है, तो हमारा चाबी उनके पास था तो ले लिया उन्होंने। तो कैसा लगता है कि नई गाड़ी ले गए तो अपनी गाड़ी की चाबी घूम गई, ऑटो से जाना ना पड़ा क्योंकि उन अंकल के पास चाबी मिल गई, तो बाकी ऑटो में घर जाना पड़ता। और अभी पीयूष भाई कैसा लगता है ऑटो में जाना, गाड़ी खड़ी है फिर भी? हम आईफोन वाले भाई, एक फोन कर 10 लोग आ जाएंगे। ओ भाई बड़े लोग, बड़े लोग आईफोन वाले, एक फोन कर 10 आदमी आ जाते होता है भैया, बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आते, बड़ी बड़ी गाड़ी। मैं आ गए, ये देखो ये कैसा गेम है, ऐसा लगता है कि ये सारे गेम खेलने की टिकट है, ये देखिए अपने को फ्री में मिलेगा ऐसा। ब्लॉगर का चेहरा आ रहा है, देखो ब्लॉगर स्टार्ट टू गेम। डेंजर खेल रहा है भाई, वाह मस्त खेल रहा है बंदा यार, वाओ मजा आ गया। तो यार वह गेम वेम का मस्त था, खेला नहीं, नेक्स्ट टाइम खेलेंगे गेम। और अभी वहाँ पे गया तो टोक्यो जापान जैसा फीलिंग आ रहा था, और बहुत बढ़िया बढ़िया गेम थे। तो पीयूष भाई भी बोल रहे थे यार खेल लेते हैं, अपन बोला नेक्स्ट टाइम आएंगे, काम है अपने को, तो निकलते हैं। तो वहाँ से निकले फिर घर पे आ गए, अभी मैं हमारे घर के सुपरस्टार है उसे मिला देता हूँ, पुनः साहब सो रहे हैं, साहब बोलना पड़ता है क्योंकि वो घर में सेलिब्रिटी है ना, सब उसको इज्जत इतनी देते हैं कि वो सेलिब्रिटी दिखता है। तो अभी वो सो रहे हैं, तो साहब उठते हैं तो आपके उठ के दर्शन करा देते हैं, ठीक है। वो रूम में बांध के कोको भूख रहा है, देखो देखो बोकरा। कोको अभी तक काम क्यों करते हो यार, हाँ देखो मैं कोको को क्या बोलता हूँ, पूरी रात ये जगती रहती है सिक्योरिटी की तरह, और ऊपर चक्कर मारती है और नीचे भी आती है, तो मैं इसको बोलता हूँ इतना काम मत किया करो यार, सो जाया करो, नाइट ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। पर हमारी कोको है मेहनत, हमारे नहाने का मुग्गा है मतलब प्लास्टिक का जो मुग्गा आता है उसको पूरा फाड़ देती है, जो ब्रश है करने का वो खुद ब्रश कर लेती है खुद से, किसी को परेशान नहीं करेगी, 4 बजे उठ के ब्रश कर लेगी। देखो बेटा देखो इधर देखो, तो इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो आप, किसी को उठा सकते हो ना, अकेले अकेले क्यों करते हो सब काम? सुसु मेरे पास में आके करती है, सुबह सुबह मैं उठता हूँ मेरा पूरा पैंट खराब हो जाता है, फिर मम्मी को ऐसा लगता है कि मैंने वो सुसु कर दिया है, ये सुसु इसने किया है, मम्मी ये ब्लॉग देख रहे हो देख लेना इसने किया, हर बार यही करती है। और कैसा बदला कैसे लेती, देखो मेरा ब्रश का ऐसा ब्रश किया ना कि वो यूज करने जैसा है ही नहीं, दिखाता हूँ अभी इसको यूज कैसे करेंगे हम, देखो ऐसा ब्रश करती है कि ब्रश को भी खा जाती, देखो अभी कैसे यूज करूँ मैं इसको, ऊपर के सारे ये चले गए प्लास्टिक खा गई है। आपको कौन बोल रहा है इतना काम करने को, हाँ ब्रश का ये हालत कर दिया है कि कोई दूसरी बार ब्रश कर ही नहीं सकता। और कोको की अच्छी आदत है कि जो मेरा कच्चा सूख रहा था कच्चे को भी फाड़ देंगे, कच्चा था
तो आप क्यों ऐसा करते हो? मैंने क्या बिगाड़ा? आपको पोटी करने में ले जाता हूँ, सुसु करने बार में ले जाता हूँ, घुमाता फिराता हूँ, ऐसा क्यों? एक ही घर में रहना है तो अच्छे से रहना यार। तो कोको को पता नहीं क्या होता रहता है, सब मेरी चीजें खराब कर देती है। जैसे ब्रश हो गया, मेरा कच्चा फाड़ दिया, वो कच्चा फटा हुआ नहीं दिखा सकता क्योंकि मम्मी ने फेंक दिया है। इतनी बुरे तरीके से तो नहीं फाड़ता यार, ऐसी दुश्मनी देखो हमारे घर में, हम दो तलवार है। क्या करती है दीदी का? नहीं दीदी का कुछ नहीं होगा, भैया का भी कोई चीज खराब नहीं होगा, सिर्फ मेरा करेगा। फिर प्यार ज्यादा है ना, क्या करे, कहा दिखाए, ऐसा सामान तोड़ तोड़ के दिखाती है। गोविंद भाई का फोन आया, बोला फोन भाई घर पे बोल रहा है चलो घूमने चलते हैं। तो आ गए घूम, थोड़ा बाहर निकले बैठे यहाँ पे। तो हमारे चाचा, बोलो चाचा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ऐसे बोला घूमने चलते हैं, थोड़ा रह रह के बोर हो गए थे तो इसलिए। बुलेट उलेट खरीदना है भाई, सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, नजर लग जाती है। जब खरीदेंगे तब बता देंगे, है ना? बता, पहले नीचे दिखा दो, है ना? देखो नीचे इतना इतना गहराई है। और क्या बोल रहे थे, यहाँ से कूदेगा मरेगा कि नहीं? आप ट्राई करो तो। मैं ट्राई करता लेकिन बाद में करूंगा, आज सही मुहूर्त नहीं है। गोविंद भाई उड़ीसा की ट्रेन जा रही है, देखो जल्दी बैठ जाओ, उड़ीसा छोड़ देगी तुमको। भाई भाग गया, नहीं जा सकता। अरे यार चला गया यार, आपके दोस्त लोग देखते हो इंतजार। बाय बाय। यूट्यूब पे किसी का ब्लॉग देखते हो? कौन किसी का देखते हो? किसी का देखते हो और किसी का नहीं देखते? और तो कॉमन देखते रहता है। अपने ब्लॉग में मतलब क्या है सर जो आपको? मेरे को तो फनी और कुछ चीजें अच्छा लगता है वो बोलते हो ना। घूमने फिरने का भी अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग का भी ब्लॉग बन जाता है। बन जाता है। आप मेरे फैन हो? फैन है ना भाई। आपको सेल्फी चाहिए? सेल्फी? हाँ सेल्फी लिए थे ना उस टाइम। 600 रुपये लगेगा? नहीं चाहिए सेल्फी नहीं, 600 रुपये लगेगा एक सेल्फी। 600 रुपये अभी भी है, वो लिया था याद है? बस ठीक है 400 दे देना। आप दोगे तो मैं दूंगा। कौन भाई? हाँ भाई, वो हमें वाटर पार्क गए थे ना होली के दिन, हाँ। पैसा देने वाला था अब 2000। अरे भाई 2000 वो टिकट का? अरे भाई ऐसे मत करो, 1500 फिर दे देना। और क्या भाई, सांस फूल रहा है, थोड़ा काम करो धीरे धीरे सांस। अरे भाई 1500 तो दे दे रहे, उसमें क्या भाई? सांस फूल रहा है मेरा। भाई 500 भाई, सांस फूल रहा है मेरा। 500 भाई, सांस फूल रहा है मेरा, बहुत सांस फूल रहा है। अरे भाई 500, 2000 से 500 बोल दिया भाई, मेरा सांस बहुत फूल रहा है। चलो ठीक है 100 रुपया दे देना फिर भाई, सांस फूल रहा मत हो गया। मैं अच्छा हूँ, ठीक हो गया भाई, सब ठीक हो। यही होते दोस्त कमीना लोग, ऐसे ऐसे देखो इनका सकल पहचानो। उधारी उधारी का पैसा मिलता है, मेरी सांस फूल लग रही है। ऐसे नहीं, सांस फूलती है उधारी से, उधारी से सांस फूलती है। उधारी का तो पैसा मिलता है, अभी अभी 100 रुपया बोल दिया तो कैसे हुआ? अभी ऐसे सांस फूलने लग जाती है, ऐसे इधर ही मर जाऊंगा। टाइगर भाई, मेहर भाई, करना है सुश्री नाम सुश्री भाई, नारियल पिला रहे हैं। पाँच पाँच नारियल, बिल्कुल पाँच पाँच नारियल पीने वाला। अच्छा अभी ये लोग को मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोग को जितना नारियल पीना उतना पियो। आज तो मेरे को टेम्पो वाले को अपना आईफोन देना हो या फिर मेरे को इधर नौकरी करना हो, नहीं मैं करूँगा। नहीं नहीं, इसका अपने आईफोन भी नहीं देंगे, ना ही इसको अपने नौकरी पे रखेंगे, इसका दोनों कितने दो। वाह, इसको बोलते दोस्त, आज के जमाने के दोस्त देखो। वाह, ऐसे दोस्त आज किसी को मिला?